Our planning has to move in one line. इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए. I hope कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे हर प्रोजेक्ट के साथ मेरी रेपुटेशन और मेरी रिस्पेक्ट जुड़ जाती है. इसलिए उस प्रोजेक्ट का कंप्लीट होना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Is that clear? I guess कि कुछ इमरजेंसी है. इस मीटिंग को हम थोड़ी देर में रिज्यूम करेंगे. Excuse me. आरती, आई होप तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ ऐसा है जो इस मीटिंग से ज्यादा जरूरी है. आई थॉट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं. दुर्गा इज बैक. अभी हमारे ही कॉलेज में तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक तो आते ही वो फ्रेशर्स पार्टी में एसपी के साथ जा रही, और दूसरा अगर उसको पता चल गया कि 5 साल पहले उसके साथ जो हुआ था उसमें हमारा हाथ था तो. आरती, चूहों के डर से शहर छोड़ के नहीं भागा जाता. कौन है दुर्गा? एक मामूली सी लड़की और कुछ भी नहीं. अब उस दुर्गा में वो आग नहीं है, उसकी आग बुझ चुकी है. रनिंग से उसका कोई लेना देना नहीं. उसे कुछ पता नहीं है और वो कुछ जानना नहीं चाहती. That's it. दुर्गा बस अब एक नाम है, एक मामूली सा नाम. आरती, जिस इंसान से हमें खतरा हो सकता है उसे तो हमने बहुत संभाल के रखा है. रही बात दुर्गा की संजय प्रिंस के साथ फ्रेशर्स पार्टी में जाने की, फिक्र मत करो. प्रिंस के मन में दुर्गा के लिए सिर्फ जहर भरा हुआ है. उस पार्टी में दुर्गा को प्रिंस की नफरत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा. एंड आई नो माय सन, वो प्यार और नफरत पूरे दिल से करता है. एंड बाय द वे, जिस इंसान से हमें खतरा है उसका ख्याल तो ठीक तरह से रख रही हो? यस अंकल. वेरी गुड. तो फिक्र किस बात की है? गो एंजॉय योर कॉलेज डेज, हैव फन. बाय अंकल, सी यू. या पांच साल बाद फिर से दुर्गा भिवानी में, और उसी कॉलेज में जिसमें आरती पढ़ती है, और मेरा बेटा संजय प्रिंस पढ़ता है. 5 साल बाद. क्यों दुर्गा, क्यों? जी सर, काम हो जाएगा आपका. दुर्गा, तो अपने गांव में ठीक थी, वानी आकर तो तुमने मुसीबत मोल ले.
बाबा आप यहाँ पर? अगर माँ को सब्जियाँ चाहिए तो मुझे बता देते ना, मैं ले आती। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही बस किसी काम से निकले आ रहा मैं। तो मैंने सोचा कि पूछ लेता हूँ, आज तो कॉलेज का पहला दिन था, कैसा रहा? बहुत अच्छा था बाबा, इनफैक्ट मैं तो आपको थैंक यू बोलना चाहती थी। पता है इतना बढ़िया कॉलेज है ना, और कितने सारे नमूने हैं भाभी, पता है? फिर बातें बहुत अच्छे करते हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, इतना मजा आया ना, आपको पता नहीं। तेरी बातें कुछ और आंखें कुछ अलग क्यों बोल रही है? नहीं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ इस दुनिया का सामना करना इतना आसान नहीं है। जब तक इस कलंक का बोझ अपने माथे पे रखा है, गर्दन ऊंची करके रखने में थोड़ी तकलीफ तो होगी, पर कोई बात नहीं, मैं अपनी शर्त वापस लेता हूं आज। ना अपनी आगे की सारी पढ़ाई जो है ना वो कोर्स पुंडा से कर ले, और बाकी का बचा हुआ जो समय है वो अपने दौड़ने की तैयारी में लगा दे। देख देख मना नहीं करना बाबा, आप जो चाहते ना वो नहीं हो सकता। ओ बाबा वहां सब अच्छे थे मेरे साथ, और आंखों में ना कुछ चला गया था तो बस पानी के साथ धो दिया मैंने, और कुछ नहीं। और बाबा प्लीज ये दौड़ाने का सपना ना आप छोड़ दो, रात गई बात गई, अब दिन की सच्चाई को देखो ना, मेरा जवाब नहीं बदलेगा बाबा। बाबा मैं दुनिया का सामना कर सकती हूँ, ठीक है? दो How could you whisper? तुम मुझे बचपन से जानती हो, उसके बाद भी इतने सवाल। You know that I hate that girl. कल की पार्टी में मजा तो बहुत आने वाला है। You just have to be patient. So just wait for it. वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। Fine, whatever. See you tomorrow. आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।